क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, तुम ना ढंग से कुछ खाने नहीं देती, मतलब जब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। अभी मैंने अपना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए, क्योंकि जब तक वो ऑफिस नहीं जाते इतने सारे काम हो जाते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो अभी वो चले गए, नहाना धोना सब फ्रेश हो गए हम लोग, और बाकी घर का काम तो चलता ही रहेगा। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बाकी काम दिन भर करती रहूँगी, फिर आप लोगों को दिखाती रहूँगी मैंने दिन में क्या क्या किया। हमारे बालकनी का क्या हाल हो गया है, ये पता है? पहले सारे स्ट्रेट थे पेड़, स्ट्रेट, बट इतने हैवी हो गए ना तो सब यूं जा रहे हैं यूं। तो मुझे इसकी भी कटिंग करना है, बट अभी नहीं करूँगी क्योंकि बेबी अकेले है ना। मैंने भी खाना खा लिया है, भिंडी पराठा मैंने बनाया था और दही नहीं था तो मैं रायता नहीं बना पाई, बट अचार के साथ खा लिया मैंने, क्योंकि प्लेन भिंडी होती ना तो अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो बस जैसे तैसे खा लिया। अभी देखो नीचे कोई भी नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बच्चे तो सब रात में आते हैं, शाम को मतलब 7 बजे। ये मैंने चने भिगा दिया है, मे बी स्प्राउट्स खाऊंगी इसके या तो इसका कबाब रोल बनाऊंगी, आई डोंट नो व्हाट आई विल मेक, बट भिगा दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों का घर जो है नॉन सनफेस है तो शायद धूप नहीं लगती पेड़ों को, करी पत्ता वगैरह को, इसीलिए ना इनको ग्रोथ नहीं अच्छी हो पा रही है, सब सूखे सूखे से मरे मरे से, पता नहीं मुझे। मैं तो ये सोचती हूँ अगर चलना हो तो चल जाओ, ना चलना हो तो बिल्कुल सूख जाओ, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करे हुए हैं। जब बेबी हुई नहीं थी, जब मेरे पेट में थी तब से लगाए हुए हैं और अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। देखो अब इसकी ग्रोथ हुई है 1 साल बाद, देख तो लो कैसे हैं ये। इसमें टमाटर का पेड़ था बट वो सूख गया है। एज़ यूजुअल मेरा घर का हाल देखो, पूरा वहाँ से वहाँ तक सारे खिलौने फैले हुए हैं, और हमारे अब सो गए तो मैं थोड़ा सा सब काम कर लेती हूँ, क्लीन कर लूँ, क्योंकि जब तक बच्चा खेलता रहता है ना तो हम लोगों की दम नहीं है कि एक भी टॉय उठा लो, मतलब दम तो है उठाने की बट वो फिर फैला देगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है उठाने का। मैं तो वेट करती हूँ जब वो सो जाएगी तब उठा के सारा रख दूँगी, तब तक उसको जितना जो करना है वो कर सकती है, शी इज़ फ्री टू डू एनीथिंग। बेबी का मिल्क पाउडर मैंने ऑर्डर किया था तो वो दे गया था आज मॉर्निंग में, और देखो हमारा ने क्या किया, इधर सब मुँह में घुसा घुसा के पूरा यहाँ से पूरा पुराना सा कर दिया है क्योंकि ये फिनिश होने वाला। आज मैं भूख के मारे सूख के काटा हो गई पूरा, मतलब मैंने 4 घंटे पहले खाना खाया था और अब मेरे को खाना मिला, मतलब बीच में मैंने सोचा कि थोड़ा सा चने वगैरह खा लूँ और मैं लेके आई और हमारा उसी में झपट्टे मार रही, उसको वही चाहिए, मतलब खाने ही नहीं दिए, मैंने कटोरी जो है पिलो के पीछे छिपा दिया, फिर भी उसने ढूंढ लिया और मुझे खाने नहीं दिए, मैंने गुस्से में फिर जाके फ्रिज में लगा दिया, और फिर मैं वेट कर रही थी कब सोएगी, जब सोई तब मैंने खाना खाया, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। मैंने मुरमुरे की मतलब लैया की नमकीन बनाया था, उसमें मैं काफ़ी सारी मिक्स कर देती हूँ ना तो वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्रंची भी लगती है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है, तो वही मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा भूख लगी थी, मतलब भूख नहीं लगी जैसे कि थोड़ी सी क्रेविंग होती है ना कुछ खाने की, तो वही मैं खाने के लिए आई हूँ। जो मुरमुरे होते हैं ना, मुरमुरे में कई सारे टाइप की नमकीन को मिक्स कर दिया था और हल्का सा नमक और मिर्च डाल दिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और काफ़ी क्रंची भी हो जाती है। खड़े हो जाके, चलो स्टैंड अप, नो डोंट लुक एट मी बेटू, जाओ। अभी थोड़ा और टाइम हो गया है, मतलब 2 घंटे हो गए हैं, तो अमायरा को मैंने फिर से सुला दिया क्योंकि उसके 2 घंटे में मतलब सोना ही होता है, जब भी वो उठती है फिर 2 घंटे मतलब कैलकुलेट कर लो फिर वो सो जाती है, तो वो सो गई तो मैं सोच रही थोड़ा सा अपनी हेयर कट वगैरह भी कर लूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी क्योंकि नहीं तो इसमें सब लग जाएगा ना, थोड़ा सा न्यू टॉप है, मतलब इतना भी न्यू नहीं है बट फिर भी घर के कपड़े पहन लूँगी मैं। अभी बेबी सो रही, मैंने उसको सुला दिया था, 1/2 घंटा हो गया है, तो मैं अपने हेयर्स में ना ऑयलिंग कर रही थी क्योंकि धुला था मैंने कल, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि ऑयलिंग करूँ, तो वही मैं कर रही थी और उसके बाद मैंने सोचा मेरे हेयर्स ना बहुत ज़्यादा रफ हो गए, देखो कैसे कैसे हो गए, सब इधर उधर भाग रहे हैं ना, तो सोच रही नीचे से थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ, यही नीचे बैठ गई क्योंकि वो वहाँ पे लेटी हुई है, मैं उसको देखती रहूँगी कि उठ रही है या नहीं, तो वो रोने लगती है, यही काट लेते हैं बाल बैठे बैठे, मैं उठा के सब साफ़ कर दूँगी। ये यहाँ पे सामने बड़ा सा मिरर लगा ही हुआ है, इसमें सब दिख ही रहा है, ऑयल वगैरह सब रखा है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा मेरे बाल उलझे हुए हैं कि मन ही नहीं कर रहा मैं इनको कॉम्ब भी करूँ, हेयर्स कॉम्ब कर ली है और आगे का चोटी बना लिया, जैसे पीछे बनाते हैं ना ये देखो, और यहाँ से मैं इतना उड़ा दूँगी पूरा एक खच,
यहाँ से पूरा काट दूंगी, ये बाल मैंने काट दिए। मैंने सोचा वीडियो बन गई उसके बाद में देखा बनी ही नहीं और इतने गुस्सा आए मुझे, तो देखो मैंने इतने बाल काट दिए अपने। मेरे हस्बैंड बोलते हैं शादी के पहले तो तुम बड़ी हेयर स्टाइल बनाती थी, तुम्हारी फोटोज़ में देखते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ हाँ तो पहले लड़के पटाने होते थे ना इसलिए हेयर स्टाइल बनाती थी, तो उनकी तो जल जाती है। इतनी बड़ी चोटी काट दी, बहुत सारे लोगों को तो इतनी बड़े बाल ही होते ना चोटी में, मैंने तो काट दिए इतना। पहले ना बस इतना ही था, ये और ये बस इतना, तो बेबी जो है साइड में इधर से गिरने लगती थी, कहीं इधर गिर जाती थी कहीं इधर, तो हम लोगों ने ये एक रिबन लगा दिया है। और ये देख के बताओ आप लोग गेस करो ये कहाँ से मिला है हम लोगों को रिबन। हंसी आएगी जिस जो जो समझ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे सपोर्ट कर दिया ना ताकि ये इधर भी नहीं गिर पाएगी ना इधर इधर फंस जाएगी ना, बस बीच में दोनों पैर फंसा के बैठी रहेगी। देखो कितना पहले मैंने सोचा था कि आज रात में जो है मैं कबाब रोल बनाऊंगी, बट अब सोच रही कबाब रोल नहीं बनाऊंगी, चाउमीन बना लेती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से चाउमीन मैंने नहीं खाया है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेजिटेबल वगैरह कट कर दूंगी क्योंकि फिर रात में ना इजी रहेगा बनाने के लिए, नहीं तो उस टाइम लेके बैठूंगी सारी सब्जियां वगैरह तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करती हूँ किसी भी, जैसे पास्ता मैक्रोनी चाउमीन मैगी कुछ भी होता ना मैं बहुत वेजिटेबल ऐड करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं तुम ना ढंग से कुछ खाने नहीं देती, मतलब जब मैगी पास्ता मैक्रोनी बना उसका टेस्ट लेना तो तुम तो उसमें सब्जियाँ ही सारी भर देती हो, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ ना, तो सब मैं बोलती हूँ ठीक है थोड़ा सा जंक फूड भी हो जाए उसके साथ वेजीज भी पेट में चली जाएंगे तो उनको पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ वेजिटेबल्स हटा देती हूँ बाकी उनको दे देती हूँ, मैं वेजिटेबल्स ज़्यादा खा लेती हूँ। बनाने वाली हूँ चाउमिन स्टाइल मैगी, तो उसके लिए मैंने मैगी को बॉईल कर दिया और सब सेपरेट करके रख दिया, अदरवाइज सब चिपक जाती, एंड ये बहुत सारी वेजीज कट कर लिया है, और ये है मैगी मसाला और सोया सॉस फ्रिज में रखा तो मैं बाद में निकाल लूँगी, बाकी जो मसाले थोड़ा बहुत नमक वक्त ऐड होगा तो ले लूँगी मैं। जब मैं नई नई शादी करके आई थी तब कुछ भी बनाती थी आराम से खा लेती थी, और अब इतने नुस्खे निकालने लगे हैं मतलब क्या ही बताऊँ, जैसे जैसे शादी पुरानी हो रही है ना खाना इनको मेरे हाथ का नहीं अच्छा लगता है। जब भी मैं कोई कुकिंग के थोड़ा से रिलेटेड ब्लॉग में ऐड करती हूँ ना तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपने थोड़ा सा रेसिपी भी दिखा दिया कि कैसे कैसे बनाया है, बट मैं एक फन चीज़ बताऊँ मतलब बना तो मैं जैसे तैसे देती हूँ ठीक है, और उसके बाद मेरे को खाने का ही टाइम नहीं मिलता है, सो हाउ आई विल एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग कि मैं कैसे कैसे बना रही हूँ उस चीज़ को, मतलब कुछ भी बताने के पहले सब मतलब अच्छे से सेटअप करना पड़ता ना कि एक कटोरी में ये निकालो वो निकालो जो जो मतलब इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, बट मेरे को खाने का ही टाइम तो बाकी मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगी, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ बाप रे कितना बड़ा टास्क दे रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती सॉरी गाइस, तो बस आप लोग मेरी रेसिपी देख लिया करिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के रेडी हुआ और उसी को इंजॉय कर लिया करिए और खुद सोचा करिए मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। ये मेरी एक जीन्स थी, ये बिल्कुल परफेक्ट थी, बट इसमें मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा डिज़ाइनर बना दूँ, तो देखो मैं फ्रिंजेस इसकी बना रही हूँ कटिंग कर करके सारे, थोड़ा सा स्टाइलिश बना रही हूँ। देखा मेरे हस्बैंड को पता नहीं है अभी कि मैं ये सब कर रही हूँ, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे क्या तुम करती रहती हो अच्छे अच्छे कपड़ों को काट डालती हो। आई होप कि आप लोगों को मेरे छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और हाँ ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एंड और क्या करते हैं शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलिए टेक केयर, बाय बाय।